हेलो किड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज है हमारी मैथ की क्लास और मैथ की क्लास में आज हम करने वाले हैं प्लस करना, जोड़ना, एडिशन करना। अब सबसे पहले प्लस, जोड़ना या एडिशन करने के साइन को आप कैसे पहचानिएगा? तो इसमें इसका प्लस का साइन होता है इस तरह से। तो जब भी आप किसी दो अंकों के बीच इस तरह के साइन को देखिएगा तो समझिए कि आपको क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है या जोड़ना है। अब कैसे, तो कैसे जोड़ा जाता है? तीन तरीके से हम किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका बताती हूँ। सपोज करिए कि आपकी मम्मा ने आपको टू टॉफी दी है, ओके, और आपके पापा ने आपको वन मोर टॉफी दे दी, ठीक है। अब आपके ब्रदर या सिस्टर ने आपसे पूछा कि आपके पास टोटल कितनी टॉफी है, तो आप क्या करोगे? तो मम्मा ने जितनी टॉफी दी और पापा ने जितनी टॉफी दी उसको आप प्लस करोगे, यानी जोड़ दोगे। ये होता है इक्वल टू का साइन, मतलब बराबर, इन सबको मिला के कितना हुआ, तो इसको बोलते हैं इक्वल टू। तो आप काउंट कर लो उंगली से पहले, वन टू थ्री, यानी हमारे पास, आपके पास कितनी टॉफीज हो गई, थ्री टॉफी। तो यहां पर आप थ्री लिख लीजिए, या तो आप थ्री टॉफी बना लीजिए। ठीक है, एक तो काउंटिंग का ये तरीका हो गया। तो आपके पास मम्मा पापा की टॉफीज मिला करके थ्री टॉफीज हो गई, ठीक। एक दूसरा तरीका क्या होता है, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक तो होता है जिसमें आपको ड्राइंग बना के दी जाती है और बहुत ही इजीली आप उंगली से वन टू थ्री काउंट करके लिख देते हैं। दूसरी तरह से आपके स्कूल में आपको दिया जा सकता है लिख करके, जैसे टू प्लस थ्री इक्वल टू। तो अब आप इसको कैसे काउंट करिएगा, टू प्लस थ्री, तो आपको साइड में करना है या आप नीचे भी कर सकते हैं, टू लाइंस खींचिए प्लस थ्री लाइंस खींचिए, ओके। और अब इसको काउंट करिए, वन टू, इस तरह से टिक लगाते जाइए ताकि काउंटिंग में कंफ्यूजन ना हो। वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने हो गए, टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव। ये हमने क्या किया, एडिशन कर दिया, यानी कि हमने इसको थ्री और टू को जोड़ दिया। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरा तरीका, हम अपनी उंगलियों पे कैसे काउंटिंग करें। तो उंगली पे काउंटिंग करने के लिए मान लीजिए आपको किसी ने दिया फोर प्लस टू इक्वल टू कितने हुए। तो जब भी आप उंगली ऐसे देखते हैं तो आपकी उंगलियों में यहाँ पे लाइंस होती है, देखिए थ्री लाइंस हर उंगली में होती है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। तो अगर आप इन लाइंस के थ्रू करिएगा तो आप जो है बहुत बड़ी बड़ी संख्या को भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है फोर, वन टू थ्री फोर, फिर है टू, वन टू, यानी ये और ये उंगली मिला करके कितनी लाइंस हुई उसको टोटल करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो फोर और टू मिलके कितने हुए, सिक्स हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया आज एडिशन पे, ड्राइंग बना के भी एडिशन कर सकते हैं, इसके अलावा लाइंस खींच के एडिशन या जोड़ सकते हैं, इसके अलावा अपनी उंगलियों पे काउंट करके एडिशन कर सकते हैं। तो इन तीन तरीके से एडिशन करते हैं, और एडिशन मतलब ऐड करना, जोड़ना। जैसे कि पांच उंगली है, इसमें थ्री और जोड़ दिया आपने, तो कितने हो गए, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसको बोलते हैं जोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ और आपको क्या करना है, इसको फटाफट से सॉल्व करना है।
और हम ड्राइंग भी बनाएंगे साथ में, क्योंकि मेरी क्लासेस में हर क्लास में ड्राइंग जरूर होती है। तो चलिए पहले बनाते हैं हम लोग फ्लावर्स, सर्कल, ओवल, वन फ्लावर। टू फ्लावर्स प्लस, आप अपनी कॉपी में बनाइएगा इसको और इसे कलर भी कर लीजिएगा, ओके? तो साथ साथ ड्राइंग भी हो जाएगी। फ्लावर बनाना बहुत आसान है, आपको सर्कल और ओवल ड्रॉ करना आना चाहिए। इक्वल टू, यहाँ आपको काउंट करना है कितने फ्लावर्स है टोटल, ठीक है? तो चलिए काउंट कर लेते हैं। वन फ्लावर, टू फ्लावर, थ्री फ्लावर, फोर फ्लावर। तो कितने फ्लावर्स हुए टोटल? फोर फ्लावर्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फोर, ठीक है? अब हम बनाते हैं पेंसिल। पेंसिल के लिए सीधी लाइन, कर्व, ट्रायंगल, ये बन गई पेंसिल। और पेंसिल बनाइए। ड्राइंग जितनी बार आप बनाइएगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी ड्राइंग में, और अगर कलर करिएगा तो फिर तो आप ड्राइंग मास्टर हो जाइएगा, ठीक है? तो ये बनाया टू पेंसिल। वन मोर बनाते हैं, इसमें आपको सीधी लाइन और ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। सारी ड्राइंग जो है वो शेप्स पे ही होती है। अब इसमें प्लस का साइन दीजिए, जोड़ने का साइन, ये होता है प्लस का साइन। और यहाँ और पेंसिल्स बनाइए। इस पेंसिल को कलर करिएगा आप रेड एंड ब्लैक। फ्लावर्स आप अपने अकॉर्डिंग कलरफुल फ्लावर्स कर लीजिएगा। पेंसिल को कर दीजिएगा रेड एंड ब्लैक। फटाफट से हमने पेंसिल ड्रॉ कर ली। और अब आपको बताना है कि आपके पास टोटल कितनी पेंसिल है ना? तो चलिए काउंट करते हैं हम लोग। वन पेंसिल, टू पेंसिल, थ्री पेंसिल प्लस फोर पेंसिल, फाइव पेंसिल। यानी आपके पास कितनी पेंसिल हुई? फाइव पेंसिल। तो यहां हम क्या लिखेंगे? फाइव, ओके? तो इस तरह से ड्राइंग बना करके प्लस करेंगे। कुछ और ड्राइंग बनाए, बहुत मजा आएगा और ड्राइंग बना करके इसको करने में। तो चलिए कुछ शेप्स बनाते हैं। शेप्स बनाएंगे ट्रायंगल, वन ट्रायंगल, टू ट्रायंगल, थ्री ट्रायंगल, फोर, फाइव प्लस वन, टू, थ्री, इक्वल टू। तो आपसे कोई पूछे अगर इस पिक्चर में टोटल कितने ट्रायंगल हैं तो आप काउंट करिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। यहाँ क्या लिखेंगे? एट ट्रायंगल्स, ठीक है? अब कुछ और ड्राइंग बनाते हैं। तो चलिए ड्राइंग में बनाते हैं हम लोग बल्ब बनाते हैं, बल्ब। तो बल्ब बनाने के लिए ऐसे बॉक्स बनाइए, सी बनाइए और सर्कल बनाइए। ये हो गया बल्ब। वन बल्ब, टू बल्ब प्लस थ्री बल्ब, एंड फोर बल्ब। तो कितने हुए? वन बल्ब, टू
टू बल, थ्री बल, फोर बल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फोर। अब आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको अपने घर में देखना है ऐसे बहुत सारे सामान और अपने घर में सबसे पूछना है, जैसे कि किसी रूम में कितने कर्टेंस लगे हैं, कर्टेंस को काउंट करिए और सबको प्लस करिए, ठीक है। पूरे घर में दो रूम मिला के कितने कर्टेन हुए तो उसको उंगलियों पे अपने प्लस करिए, ऐड करिए। इसके अलावा अपनी कॉपी में ड्राइंग बना करके करिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे देती हूँ आज के लिए कॉपी में सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर आपको आज ही के आज होमवर्क में कर लेना है। चलिए लिखिए, 7 + 2 = यहाँ आपको इसके अंदर लिखना है, 6 + 1 = 9 + 2 = 5 + 7 = 2 + 9 = ये 5 क्वेश्चन है आपके आज का होमवर्क, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा। तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये होता है प्लस का साइन यानी एडिशन का साइन। एडिशन को बोलते हैं ऐड करना या हिंदी में बोलते हैं जोड़ना। जब दो को मिला करके जोड़ते हैं, दो संख्याओं को टोटल करते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन। जैसे कि 2 fingers and 4 fingers कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 6 फिंगर्स हुए। तीन तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। एक तो लाइन खींच करके, जैसे इसको आप लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 + 1 2 और इसको यहाँ से काउंट करके लिखिए। दूसरा आप जो है उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, तो उंगली पे इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 + 1 7 उंगली पे काउंट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और तीसरा ड्राइंग बना करके। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो लाइक तो करिएगा ही करिएगा, अपने क्वेश्चंस अपने डाउट मुझसे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रोज की क्लास की अपडेट आपको मिल सके। और ड्राइंग रोज बनाइएगा, ड्राइंग अच्छी होगी तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे। ड्राइंग की ढेर सारी वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की मैथ की क्लास खत्म। बाय बाय।